ए आकाशवाणी जम्मू है संजा खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्ने मैं श्रुति खजूरिया। मोदी सरकार ने महिलाएं दे कल्याण ते तरक्की बाद्दे आस्ते पिछले 8 बरें च क्रांतिकारी गैं पुट्टियां। 2 महीने चलने आला विशाल कोविड टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक अज्जे थमां शुरू हुआ। केंद्रीय गृह सचिव होरें जम्मू कश्मीर च चला'रदे प्रधानमंत्री विकास पैकेज प्रोजेक्ट की अमल आवरी का जायजा लैता। आतंकवादियों आसिया मारी गई अध्यापिका रजनी बाला हुंदा अज्ज नानके चक सांबा च खीरी संस्कार कर दिता गया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ADGP ते भाजपा के नेता भी इस मौके उत्थे मौजूद रहे। ते पदरवादी हंगा फ्लावर वैली च एशिया का सबने थमां बड़ा फॉक ग्लोब उत्सव शुरू हुआ। खबरें की तफसील करने नरेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च NDA सरकार ने पिछले 8 बरें दौरान महिलाएं गी समाजी सम्मान दुआने ते उंदी कमाई दे साधन यकीनी बनाने आस्तै नेकां स्कीमां शुरू कीतियां न। सरकार ने हर सतह पर बराबरी, महिलाएं दे सशक्तिकरण ते बच्चें दी शिक्षा दे बढ़ावे आस्तै क्रांतिकारी गैं पुट्टियां न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें केई बारी आख्या जे उंदी सरकार महिलाएं दा जीवन सुधारने गी प्राथमिकता दे करदी है। महिलाएं की भलाई बेहतरी आस्तै मोदी सरकार पासेया जेड़ी बड़ियां उपलब्धियां हासिल कीतियां गईयां उंदे च किश इस चाले न। महिलाएं आस्तै 11.5 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया। 9.5 करोड़ घरें गी पीने आले पानी के कनैक्शन दिते गए। 9.17 करोड़ महिलाएं गी गैस के कनैक्शन दिते गए। PM मातृ वंदना योजना तहत माली मदद आस्तै 2.78 करोड़ महिलाएं का पंजीकरण किया गया। मैटरनिटी लीव 12 हफ्तें थमां बधाइयै 26 हफ्ते की गई। सुकन्या समृद्धि योजना तहत 2.73 करोड़ खाते खोले गए। 3 तलाक की प्रथा खत्म की गई ते हथियारबंद बलें च महिलाएं आस्तै स्थाई कमीशन लागू किया गया। मुल्क भरै च अज 2 महीने चलने आला हर घर दस्तक अभियान शुरू हुआ जिहड़ा 31 जुलाई तोड़ी चलग। इस अभियान का मकसद कोविड टीकाकरण की रफ्तार तेज करना है। सेहत मंत्रालय ने आख्या जे अभियान च टीके की दुई खुराक ते बूस्टर खुराक लैने दे योग्य लोकें गी घर घर जाइए टीके लाने दे कम्मै पर खास जोर पाया जाग। 12 थमां 18 बरें दे बच्चें गी टीके लाने पर भी खास ध्यान दिता जाग। वृद्ध आश्रमें, स्कूलें, कॉलेजें, जेलें ते इट्टें दे भट्ठें पर लोकें गी टीके लाने की खास मुहिम चलाई जाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें पिछले बरे नवंबर महीने इस अभियान की शुरुआत की ही तां जे समूलचे टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला होरें अज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख सचिव ते होरने दुए सचिवें कन्नै एक बैठक लाई है। प्रदेश च प्रधानमंत्री विकास पैकेज तहत चलाए जा करदे प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लिया। इस दौरान यह जानकारी दी गई जे PMDP तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत कन्नै 53 परियोजना चलाईयां जा करदियां न। 29 परियोजना सबूरियां होई गईयां जिसलै कि 12 चालू माली बरे दौरान सबूरियां कर लीतियां जांगन। और ब्यौरा दिंदे होए दस्या गया जे घाटी च कश्मीरी पंडित विस्थापतें लई 6,000 रिहायशी मकान बनाए जा करदे न। डॉक्टर मेहता होरें जानकारी दी जे इंदा निर्माण जारी है ते 1,324 मकानें दा निर्माण दिसंबर तकर ते 672 मकानें दा निर्माण अगले बरे अक्तूबर तकर कर लिता जाग। डॉक्टर मेहता होरें मेद प्रकट की जे 2023 तकर सारा निर्माण काम करी लिता जाग। प्रधानमंत्री विकास प्रोजेक्ट की जम्मू कश्मीर च महत्ता गी उजागर करदे होई केंद्रीय गृह सचिव होरें सभने सरबंधित धड़ें गी जोर देई आखिया जो परियोजनाएं गी समय सिर मुकम्मल करन तां जे इंदे लाह जम्मू कश्मीर दे लोकें तकर पुज्जी सकन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी ई मंडियों के दायरे की बधाने की मंजूरी दे दी है तां जे सहकारी समितियां भी खुश खरीद करी सकन। नवी दिल्ली च मीडिया आलें गी जानकारी देंदे होए सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होरें आख्या जे इस गैं कन्नै सहकारी समितियों गी खुली ते पारदर्शी प्रक्रिया राएं खरी कीमत थोई सकग। उन्हें दस्सिया जे इहदे कन्नै 8,54,000 पंजीकृत सहकारी समितियें ते उंदे 27 करोड़ सदस्यें गी फायदा हासिल होग। 2017 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना हुई जो सरकारी प्रोक्योरमेंट के लिए जिसका उपयोग किया गया और आज हम ये कह सकते हैं कि सरकारी प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में जेम पोर्टल एक युगांतकारी सुधार लेकर आया है और ये युगांतकारी
उदाहरण इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जिस पैमाने पर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया, जहाँ पर गुड्स हो, सर्विसेज हो, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोक्योरमेंट भी की जाती है, यह पारदर्शी, तेज, कुशल और पैमाने की व्यवस्था है। पिछले कई वर्षों में सरकार ने प्रोक्योरमेंट करते हुए इस पोर्टल का लाभ भी उठाया, वहीं पर देश भर के लाखों लोग इससे जुड़े भी। सूचना ते प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा होरें अज आख्या जे डायरैक्ट टू मोबाइल ते 5G ब्रॉडबैंड दे मेल कन्नै भारत च ब्रॉडबैंड दी खपत ते स्पैक्ट्रम दी वरतून च वाधा होगा। ओ अज आकाशवाणी दिल्ली च IIT कानपुर पासेआ इस बारे च लोआए गेदे इक सम्मेलन च बोला करदे हे। उन्हें आख्या जे भारत दे दूर संचार ऑपरेटरें दी एह वड्डी उपलब्धि है जे उन्हें भारत च दुनिया दा सभने थमां सस्ता डेटा उपलब्ध कराया है। In India, we are a very large consumer of data, and this convergence is going to improve how the broadband is being consumed and from the perspective of the telecom operators, how the spectrum is being utilized. That is a very, very important national objective. We have one of the largest mobile data numbers in the world, 1.2 billion mobiles, of which almost 750 million are smartphones. And this internet traffic, of which 82% is video, this was not known to me. 1.1 million minutes of video every second, equivalent to 60 billion DVDs in a month. जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन दे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता होरें, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ते कमिश्नर राहुल यादव होरें बाहू किले दा दौरा लाया ते जम्मू स्मार्ट सिटी तहत चला करदे विकास कम्में दा जायजा लैता। आकाशवाणी समाचार कन्नै गल करदे होई चंद्रमोहन गुप्ता होरें गलाया जे बख बख विकास प्रोजेक्टें आला लेखा GMC जम्मू स्मार्ट सिटी तहत चला करदे प्रोजेक्टें गी समय सिर मुकम्मल करना यकीनी बना करदी है। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुना करदे हो। बाकी दियां खबरें कन्नै श्रुति खजूरिया। कश्मीर दे कुलगाम च आतंकवादियें जिस महिला अध्यापक रजनी बाला दी हत्या कर दित्ती ही, ओह्दा अज्ज उसदे जद्दी ग्रां नानके चक सांबा च खीरी संस्कार कीता गया। इस मौके पर परिवार दे सदस्यें दे अलावा भाजपा दे जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना, जम्मू पुंछ लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा, DDC चेयरमैन सांबा केशव दत्त शर्मा, इलाके दे पंच सरपंच ते होर दुए लोक मौजूद हे। इसदे अलावा जम्मू दे डिवकॉम रमेश कुमार, ADGP जम्मू मुकेश सिंह, DIG जम्मू विवेक गुप्ता, DC सांबा, SSP सांबा ते होर दुए जिला अफसर दिवंगत आत्मा गी खीरी विदाई दित्ती। AVVP जम्मू महानगर ने कुलगाम दे गोपालपोरा इलाके आले सरकारी स्कूल च महिला अध्यापक दी आतंकवादी आसेआ कीती गेदी हत्या खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीता। AVVP जम्मू महानगर सचिव चाहत आनंद होरें सरकार सोआं कश्मीर घाटी च अल्पसंख्यकें दी सुरक्षा यकीनी बनाने लई गैं पुट्टने लई आखेआ। उनें आखेआ जे आतंकवादी इक बारी परतियै इत्थे 1990 आला हालात बनाना चाहंदे न ते अल्पसंख्यकें लई डर दा माहौल पैदा करना चाहंदे न। जम्मू कश्मीर सैलसफा विभाग आसेआ भद्रवाह विकास प्राधिकरण ते सेना दी सहायता कन्नै हंगा वैली भद्रवाह च एशिया दा पहला फॉक्स ग्लोव उत्सव कराया गया। एह्दा मकसद कुदरती सैलसफा गी बढ़ावा देना ते दुनिया भरै थमां फुल्लें ते प्रेमियें गी आकर्षित करना हा। एह्दा उद्घाटन DDC डोडा दे अध्यक्ष धनसर सिंह कोतवाल ते 4RR दे CO रंजीत परमार होरें कीता। इस मौके पर बोलदे श्री धनसर सिंह होरें दस्सेआ जे सैलसफा विभाग पासेआ हर बरे एकड़े उत्सव दा आयोजन कीता जाग। रामबन जिले दे विद्यार्थियें प्रधानमंत्री विशेष वजीफा स्कीम गी केंद्र सरकार आसेआ अग्गे बधाए जाने आले फैसले दा स्वागत कीता। आकाशवाणी समाचार कन्नै गल्ल करदे होई बनिहाल दे विद्यार्थियें आखेआ जे सरकार दा एह फैसला युवाएं गी, खास करियै विद्यार्थियें दी भलाई बेहतरी गी चिंता गी दर्शांदा है। उन्हें आखेआ, सर मैं बनिहाल से हूँ, मेरा नाम शारिद बशीर है, मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ। जैसा कि सरकार ने हमारे लिए जो साल का एक्सटेंशन दिया है स्कॉलरशिप के लिए, तो मैं उससे बहुत खुश हूँ, इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। मेरा नाम ताहिर है, मैं बॉयज़ हायर सेकेंडरी बनिहाल में पढ़ता हूँ। एक्सटेंशन एक साल का बढ़ा है, स्कॉलरशिप बढ़ा है, बहुत अच्छी राहत मिली है, गरीब लोगों को फ़ायदा होता है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जगत गुरु भगवान गोपीनाथ जी हुंदा सालाना महायज्ञ अज देश विदेश च पूरी श्रद्धा कन्नै मनाया गया। जम्मू च भगवान गोपीनाथ आश्रम उदेवाले च भी इस मौके पर इक समारोह दा सरिस्ता कीता गया। व्हाइट नाइट कोर ने अज अपना स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस मनाया। व्हाइट नाइट कोर दे GOC मेजर जनरल JS पिंदरा होरें आश्रम मेद
शौर्य स्थल नगरोटा सैन्य स्टेशन पर शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर बोलते मेजर जनरल बिंदौरे अपनी ड्यूटी दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों की चेता किया। उन्हें सबने जवानों के अफसरों को आख्या जो कोर का सम्मान मान बनाई रखने लिए अपना काम पूरे जोश के जज्बे कने करन। व्हाइट नाइट कोर की स्थापना 1 जून 1972 को ही लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकोब PVSM और इसके पहले कोर कमांडर हे। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित जो देश दुनिया वाला लेखा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी बदोबद लोगों की शमूलियत की यकीनी करने लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में जम्मू जिले में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने लिए योग शिविर लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में आज जम्मू के सरकारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन च 21 दिन का शिविर शुरू हुआ। इस मौके पर बोलते हुए सरकारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू की प्रिंसीपल डॉ कुलविंदर कौर ने योग के महत्व को उजागर किया। अखीर च खास खास खबरें कोई परती है। मोदी सरकार ने महिलाएं दे कल्याण ते तरक्की बाद आस्ते पिछले 8 बरें च क्रांतिकारी गैं पुटियां न। 2 महीने चलने वाला विशाल कोविड टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक अज थमां शुरू हो गया। केंद्रीय गृह सचिव होरें जम्मू कश्मीर च चला करदे PMDP प्रोजेक्ट की अमलावरी का जायजा लिता है। आतंकवादियों से मारी गई अध्यापिका रजनी बाला उनका अज नानके चक सांबा च खीरी संस्कार कर दिता गया। भद्रवाह की हंगा फ्लावर वैली च एशिया का सबने थमां बड़ा फॉक्स ग्लोब उत्सव शुरू हुआ। ये खबरों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।